चैलेंज है स्टॉक मार्केट को गिराने वालों को, भारतीय शेयर बाजार को गिराने वाले को MBA BK सिंह का चैलेंज है दोस्तों। और ये वो है जो पिछले दिनों, पिछले महीने और पिछले साल, पिछले दिनों, पिछले महीनों और पिछले सालों से ये उनका सबसे बड़ा गेम प्लान रहता है दोस्तों। मार्केट गिरेगा 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 गिरेगा, अरे मार्केट गिराने वाले और मार्केट को क्रैश कराने वाले और मार्केट नीचे जाएगा इसके ठेकेदारों, ध्यान से सुनो तुम भी दोस्तों। ये उनके लिए था जो आपका नुकसान कराने के लिए तैयार है। और ये गेम प्लान है दोस्तों, ये एक इकोसिस्टम, स्टॉक मार्केट में भी इकोसिस्टम आज से नहीं, कई सालों से शुरू है दोस्तों। और इसीलिए इंट्राडे टेक मुंबई MBA BK सिंह आए हैं आँख खोलने, कान के अंदर जो खोट मिलते हैं उसको, गंदगी उसको साफ करके सुनाई देने के, आँख पर चश्मा लगा कर क्लियर देखने के लिए। और जब बोलना नहीं चाहते थे, जानते थे, उनको बोलना सिखाने के लिए, और जो चलना नहीं जानते थे स्टॉक मार्केट में, उनको चलना सिखाने के लिए स्टॉक मार्केट में आए दोस्तों। अब आइए पूरा गेम प्लान समझाते हैं दोस्तों कि ये स्टॉक मार्केट को गिराने के लिए कौन कौन तैयार हैं और किस किस कैटेगरी के इकोसिस्टम है दोस्तों। और ये इकोसिस्टम पूरे देश में चल रहा है दोस्तों, राजनीति में भी चल रहा है, घर घर के बाहर चल रहा है, राज्यों में चल रहा है, देश में चल रहा है। अब ये आए हैं स्टॉक मार्केट को गिराने, और स्टॉक मार्केट के गिराने के पीछे एक ही मकसद है, सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार को बदनाम करने के लिए दोस्तों। जी हाँ, और ये आपको नहीं मालूम है तो जान लीजिए, ना तो स्टॉक मार्केट गिरने वाला है, और स्टॉक मार्केट गिरेगा जो कहता है MBA BK सिंह का चैलेंज है। आप बता दीजिए दोस्त, सर्दी जुखाम बुखार किसको नहीं होता है, जो जिसको नहीं होता है उसको समझ लीजिए कि पीलिया हो गया, जॉन्डिस हो गया दोस्तों। स्टॉक मार्केट को गिराने वाले को जॉन्डिस हो गया, पीलिया का रोग हो गया दोस्तों, और ये पीलिया का रोग उसको ठीक नहीं होने वाला है, उसको तो भगवान ही बचाएंगे दोस्तों। चलिए असली कहानी क्या है वो जान लीजिए। अब अमेरिका में क्या हुआ है कि बेरोजगारी दर बढ़ी है। अरे तुम अमेरिका के बेरोजगारी दर बढ़ी है तो उससे हमको क्या लेना, हमको क्या लेना, हमारी बेरोजगार तो बढ़ रही है। आप बता दीजिए, आपके आप जहाँ रहते हैं, आप अच्छी कमाई कर रहे हैं, अच्छा बिजनेस चल रहा है, लोग आपके कंपनी में 10-20-50 काम कर रहे हैं, बगल वाला घर में वो भी काम करता है लेकिन उसका काम नहीं चल रहा है, तो क्या करेगा, वो कंपनी से निकालेगा, नहीं तो कंपनी में कम एम्प्लॉय रखेगा। वही बात है, अमेरिका में कोई काम धाम नहीं है दोस्तों, क्योंकि अब तो सिर्फ और सिर्फ अगर आप किसी से हाथ नहीं फैलाएंगे तो वो उसका काम कैसे चलेगा। और ये वो इकोसिस्टम पर परेशान है जो कमीशन खाता था दोस्तों, जो कमीशन खाने वाले स्टॉक मार्केट में इकोसिस्टम के द्वारा ये वीडियो के माध्यम से सभी रिटेलर को, स्टॉक धारक हो या इन्वेस्टर हो, ट्रेडर हो, उनको भ्रमित कर रहे हैं कि स्टॉक शेयर बाज़ार गिरने वाला है। ये कुछ भी नहीं होने वाला है, और हो जाएगा तो फिर हमको बता दीजिए दोस्तों। ये सभी के सभी गेम प्लान करके आए हैं, और ये पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा है दोस्तों, और इकोसिस्टम ये फुस हो जाएगा, फुस। क्यों? क्योंकि ये जानते हैं ये बालू के
दरिया किनारे जो बालू रेत होता है, रेती होता है, सैंडी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, उस पे ये मकान खड़ा रहे, झूठ की मकान बालू की रेत पे और सैंडी ऑन द सैंडी मेक एट होम, बालू की रेत पे घर बना रहे हैं। कहने का मतलब ये झूठ का पुलिंदा, स्टॉक मार्केट गिरेगा गिरेगा, अरे स्टॉक मार्केट को गिराने वाले तुम तो खुद ही गिर चुके हो और इतना गिर चुके हो कि उठेंगे नहीं दोस्तों ये। और ये इकोसिस्टम पैसा फेंक कर, अरे पैसा फेंक कर सच्चाई को नहीं दुबा सकते, क्यों? क्योंकि ये भारतीय शेयर बाजार न रुकने वाला है न थकने वाला दोस्तों। और यही बात मैं आपको बता दूँ, डरना मना है। मेरे पुरानी लाइन फिर शुरू हुआ दोस्तों, स्टॉक मार्केट में डरना मना है और चैलेंज है स्टॉक मार्केट को गिराने वालों को, गिरा कर दिखा दे दोस्तों। चलिए इसके बाद एक वीडियो आएगा, मैं बताता हूँ किस में कमाई होगी और कौन कौन इसके सूत्रधार हैं, कौन कौन इको सिस्टम में इन्वॉल्व है, इनकी भी धजिया उड़ाने के लिए हम आ रहे हैं जस्ट इसके बाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप स्वस्थ रहे, आपका परिवार स्वस्थ रहे, ईश्वर से हम यही कामना करते हैं दोस्तों।